हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज जो एग्ज़ाम हुआ है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF कांस्टेबल का, 19 जनवरी 2019 में ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमको ढेर सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं जो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वेल आइकन होगा आपके सामने इस टाइप का, इसे भी ऑन कर लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच कौन है? तो इंडियन क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच हैं रवि शास्त्री। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की मंत्री कौन है? तो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री हैं मेनका गांधी। ये साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था, जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। आज के पेपर की जीके की बात करें तो आज के जो पेपर की जीके थी बहुत ही सिंपल थी। जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी की होगी तो उन बच्चों का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फास्फोरस का प्रतीक चिन्ह क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो फास्फोरस का प्रतीक चिन्ह है P। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। आज के पेपर के करंट अफेयर्स की बात करें तो आज के पेपर में करंट अफेयर्स में फर्स्ट शिफ्ट में ओनली 2 क्वेश्चन पूछे गए, सेकंड शिफ्ट में भी एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, और पृथ्वी का जो रंग है वो किस तरह का है, नीला है, लाल है, हरा है या पीला है। तो इन 2 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको धर्म चक्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि धर्म चक्र होता क्या है और ये बौद्ध धर्म में क्या प्रदर्शित करता है। तो धर्म चक्र के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे कि धर्म चक्र आखिरकार होता क्या है। तो देखिए धर्म चक्र भारतीय धर्मों सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि में मान्य 8 मंगलों अष्ट मंगल में से एक है। बौद्ध धर्म के आदि काल से ही धर्म चक्र इसका प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। यह प्रगति और जीवन का प्रतीक भी है। बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम धर्मोपदेश दिया है उसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं या कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों से एक शिकायत रहती है, मैं वीडियो बनाता हूँ इतनी मेहनत से, और इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाता हूँ, मैं आपके सामने शेयर भी करता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें और मेरी मेहनत को सफल करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था कि 7 संख्याओं का औसत 45 है, तो अगली संख्या क्या होगी? मैथ भी आज के पेपर की जो आई थी वो काफी इजी थी मैथ। अब देखिए अगला क्वेश्चन था साइंस का कि कपड़े धोने के साबुन में क्या प्रयोग किया जाता है? अगला क्वेश्चन था विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो विजय स्तंभ की स्थापना 1498 में राणा कुंभा ने की थी। अगला क्वेश्चन था कि पीपीएफ की फुल फॉर्म क्या होगी? तो पीपीएफ की फुल फॉर्म होगी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्या होगी? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और अगला था पीडीटी की फुल फॉर्म क्या होगी? तो पीडीटी की फुल फॉर्म होगी फोर्टीडायनामिक थ्योरी। अगला क्वेश्चन ये था कि फार्मूला रेस में सफेद झंडी दिखाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? और एक जो प्रश्न पूछा गया था ये गोल से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित हैं? तो माइकल जॉर्डन ये बास्केटबॉल खेल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन था वीडियो को दर्पण में देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वाष्प को जल प्रतिबिंब में देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा, वाष्प को जल प्रतिबिंब में देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा।
अगला क्वेश्चन था जैसलमेर किस नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि टोक्यो की राजधानी कहां पर है। तो देखिए जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। अगला क्वेश्चन था कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। इन दो क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला क्वेश्चन था हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। अगला क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री किसके सामने शपथ लेते हैं। और एक क्वेश्चन प्रस्तावना से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और नेक्स्ट क्वेश्चन था बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन था राज्यों के नाम कौन सी अनुसूची में आता है। तो देखिए दो क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे गए थे आज के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन था जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो जबलपुर ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया। तो सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग एजी टेसिले ने किया था। किसने किया था? एजी टेसिले ने किया था। अगला क्वेश्चन ये था कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। अगला था क्वेश्चन कि पृथ्वी का अर्थ व्यास कितना होता है। तो पृथ्वी का अर्थ व्यास होता है 6371 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था महिला एवं बाल विकास मंत्री सॉरी मंत्री कौन है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है मेनका गांधी। अगला था प्रस्तावना में किसका उल्लेख है। तो प्रस्तावना में किसका उल्लेख है इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन ये था कि भारतीय टीम के बॉलिंग कोच कौन है। तो भारतीय टीम के बॉलिंग कोच हैं भरत अरुण। अगला क्वेश्चन था संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। तो संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। अगला क्वेश्चन था प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी आर अंबेडकर। अगला क्वेश्चन ये था कि कौन सी भाषा को संवैधानिक ने दर्जा नहीं मिला। तो खासी भाषा को संवैधानिक में दर्जा नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन था लाल गुलाब को नीचे फिल्टर से देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा। तो लाल गुलाब को नीले फिल्टर से देखा जाए तो ये काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन था धर्म चक्र परिवर्तन से क्या संबंध है। तो धर्म चक्र परिवर्तन से ये गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश से संबंधित ये है। अगला क्वेश्चन था राज्य और संघ की सूची किस में है। तो राज्य और संघ की सूची ये प्रथम सूची में है। अब नेक्स्ट था कि वाच का मिरर इमेज कैसा दिखाई देगा। ये क्वेश्चन था रीजनिंग का। अगला क्वेश्चन था शुष्क बैटरियों के निर्माण में किस खनिज का उपयोग होता है। तो शुष्क बैटरियों के निर्माण में मैग्नीज का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मोती देने वाली मछलियां पकड़ी जाती हैं। तो मोती देने वाली मछलियां पकड़ी जाती हैं मन्नार की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन था भूरा कोयला किसे कहते हैं। तो भूरा कोयला लिग्नाइट कोयला को कहते हैं। अगला क्वेश्चन था भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है। तो भारत में कृषि आयकर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन था क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता। तो विधानमंडल ये नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन ये था F1 रेस में हरी झंडी का मतलब क्या है। तो F1 रेस में हरी झंडी का मतलब है स्पीड बढ़ाओ। अगला क्वेश्चन था भारत कला भवन कहाँ पर है। तो ये भारत कला भवन ये बनारस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सी नदी विषुवत रेखा को दो बार पार करती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार पार करती है।
ये आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगना हो जाता है तो उसकी साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल है? तो भारत की चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल है। अगला क्वेश्चन था, भारत का सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य है बिहार। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, बिहार की राजधानी क्या है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो इन 3 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला था क्वेश्चन कि दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना अप्रैल होता है। तो दोस्तों ये थे आरपीएफ कांस्टेबल में आज की डेट में सभी शिफ्टों के क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखिए मैंने इस वीडियो को बहुत ही मेहनत से बनाया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, और चैनल पर नए हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में ही आपके बेल आइकन होगा इस टाइप का, ऐसे इसको ऑन कर लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।